नेकी कभी कभी खुद भी कर लेनी चाहिए, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, कभी कभी खुद भी कर लेनी चाहिए। दूसरों को बताने से अच्छा है कि नेकी खुद करनी चाहिए। ये पानी जंगली परिंदों के लिए है, वो आके यहाँ पे पिए और हमें भी सवाब दें जी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। पहले तो सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ैफ़ी भाई ने कल व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। कल व्लॉग ना अपलोड करने की वजह थी एक, मैं आपको बताता हूँ। वजह ये थी कि मेरा जो ये नेट है, कल ये नेट डिस्टर्ब हो गया था। रात को हमारा बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए थे, जिस वजह से हमारा ये नेट जो था, ये नेट डिस्टर्ब हो गया। तो रात को मैंने इसकी सेटिंग वगैरह करवाई। अब तो मैंने ये देख रहे हैं निशान, इधर भी एक लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, जिसकी सेटिंग का निशान है। तो ये मैंने इसकी रात को सेटिंग करवा ली है। तो आज इंशाल्लाह व्लॉग मैंने फिर रात को अपलोड इन पर लगा दिया था, रात को अपलोड वो हो गया होगा। तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपको आज मिल जाएगा। कल वाला व्लॉग बहुत मज़े का था, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग था। आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल पर लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं, क्या सीन्स है वो मुझे भी नहीं पता। बर्ड्स रूम में कुछ है, जाते हैं देखते हैं आज हमें बर्ड्स रूम में क्या न्यू मिलता है, क्या नहीं मिलता। नेट हमारा ठीक हो चुका है तो इंशाल्लाह डेली ही आगे कंटिन्यूसली आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर आप पुराने भी हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें। आज कुछ मौसम बेहतर हो रहा है, धूप निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता से, कुछ प्यारी प्यारी धूप हो रही है, निकल रही है। लेकिन देखें आप, चेक करें व्यू कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत व्यू है। माशाल्लाह साहब, बादल ही बादल देख सकते हैं, कैसा निज़ाम है, कैसा सब कुछ है। तो चले आए जाते हैं बर्ड्स रूम में। आपको पता है मैंने उधर नेस्टिंग भी डाली थी, उन्हें वो भी चेक करते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं है, नेस्टिंग भी देखते हैं। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, सोच ये रहा हूँ कि हमारे पास इधर एक बर्तन पड़ा हुआ है और परिंदों के लिए पानी नहीं होता रात को छत के ऊपर। तो सोच ये रहा हूँ कि एक ये बर्तन है मेरे पास, इसे हम ऐसे करते हैं कि इधर रखते हैं, ठीक है, इसे इधर रखते हैं। आपको वैसे भी पता है कि ये जो बाल्टी मेरी है ना पानी वाली, परिंदों के कमरे में से पानी इसमें से बच जाता है, तो वो हम आज जो बचेगा ना पानी उसे वापस निकाल के लाएंगे, ठीक है, इस बर्तन में डाल देंगे, इधर रख देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे ये पानी वाला बर्तन रखा हुआ है, परिंदों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इधर हमारे छतों के ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये देखिए इधर ये जंगली चिड़िया वगैरह आती रहती हैं, तो ये यहाँ पर अपना वो कर लेंगी, पानी शानी इन्हें मिल जाएगा, दाना फ्रेश मिल जाएगा, खा पी लेंगे ये और हमें दुआएं देंगी। तो चले आए टाइम जाएँ कि बगैर जाते हैं बर्ड्स रूम में, और बर्ड्स रूम में जाके दाना पानी डालते हैं और वापस आके फिर इसको भी करते हैं जी। तो जी मैं अपने बर्ड्स रूम में आ चुका हूँ, बगैर टाइम जाएँ कि बगैर यहाँ पर हमने इसकी लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, लाइट का सिस्टम चेंज करते हैं और हीटर ऑन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बारह चल रहा है तो रूम थोड़ा सा हुआ हुआ है कोल्ड। तो हमने यहाँ पे इसका हीटर वगैरह ऑन कर दिया है, ठीक है, लाइट का इंतज़ाम करते हैं प्रॉपर इसका, यहाँ पे ये लाइट ऑन करते हैं। चलो जी हो जाओ जी, हो जाओ जी, और इधर ये वाली लाइट भी ऑन करते हैं। तो ये मुकम्मल प्रॉपर जो हमारी लाइट वगैरह ऑन हो गई, ये देख रहे हैं स्टेक्स के ऊपर डव्स ने आके बैठना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है इधर बर्ड्स रूम में आते सार ही, वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। गुड न्यूज़ भी मिल चुकी है और बैड न्यूज़ भी मिल चुकी है, दोनों न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ दिखाने में दाना पानी डाल लूँ, उसके बाद मैं आपको बैड न्यूज़ भी बताता हूँ और गुड न्यूज़ भी बताता हूँ। एक में खुशी है और एक में गम है, आपको पता है हैप्पी में गुड और सैड में बैड। तो वो दोनों न्यूज़ मिल चुकी हैं, वो न्यूज़ आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। सबसे पहले मैंने दाना पानी डाल लूँ, फिर आप लोगों को मैं मिलता हूँ और बताता हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें।
जी तो जी आप देख सकते हैं सब बर्ड्स को दाना पानी डाल दिया गया है माशाल्लाह से। वो देखिए जावा उधर अपने मजे से पानी एंजॉय कर रही है। ये फिंचेस बन नीचे आ गए, ये देख रहे हैं ये कितना पानी वेस्ट होता था, आइंदा ये पानी वेस्ट नहीं होगा, ये सारे का सारा पानी उसके अंदर जाएगा। रात को हम रूटीन की तरह जिस तरह हम इनका पानी निकालते हैं उसी तरह रूटीन का हम वो जो जंगली बर्ड परिंदे हैं उनका भी पानी निकालेंगे और उन्हें सुबह डेली फ्रेश यहाँ पे पानी डाला जाएगा एज आ अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी समझ के। जैसे इनकी अपनी जिम्मेदारी समझ के सबको निकाला डाला जाता है ना, वैसे ही उनका भी आइंदा से ख्याल रखा जाएगा। ये देखे इधर आपको पता है मैंने नेस्टिंग डाली थी, बस ये थोड़ी सी नेस्टिंग रह गई है, बाकी नेस्टिंग देखे फिंच ने कैसे यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इधर अपनी इन्होंने नेस्टिंग कर दी है, अब इधर जल्दी से ये एग्स दे दें तो मजा आ जाएगा। तो ये हमारा जैक, प्यारा जैक मेरा। सबसे पहले आपके साथ बैड न्यूज शेयर करता हूँ कि ये देखे आपको पता है कि ये मेरे जो फूल वाले पैरेट्स थे इनके बच्चे अंडे आए हुए थे, तो इनके अंडे निकलने थे बच्चे, तो इन्होंने अंडे ही नीचे फेंक दिए हैं। ये चेक करें, फूल वाले पैरेट्स ने अपने अंडे ही नीचे फेंक दिए हैं। अजीब इनका काम है, अजीब इनका सिस्टम है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किसने ऐसे क्यों किया है, अपने नीचे क्यों फेंके हैं। हालांकि इसके अंडे फर्टाइल थे, सब कुछ था, अंडे देख रहे हैं अंडे ही इसमें नहीं है, इसने सारे के सारे अंडे कुछ फेंक दिए और कुछ खा गए हैं ये खुद ही अपने एग्स। वजह नहीं समझ आई कि क्या हुआ है, क्या सीन इन्होंने हमारे साथ किया है, क्या कुछ किया है, हमें कुछ भी नहीं इल्म इस बारे में। अंडे इसके किधर गए हैं, कुछ अंडे बाहर इसने फेंक दिए हैं। ये देखें ये इधर गिरा हुआ है फूल वाले पैरेट्स का, ये देख रहे हैं। जी तो ये आप देख रहे हैं कुछ अंडे इसके नीचे इधर गिरे हुए हैं, ये अंडा ये गिरा हुआ है, बाकी इसने किधर किए हैं कोई इल्म नहीं है, लेकिन इन्होंने अंडे गुम अपने कर दिए हैं। तो एक बैड न्यूज़ आपके साथ शेयर हो चुकी है, ठीक है। अभी आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करते हैं कि यहाँ पे नेस्टिंग हुई है और नेस्टिंग के साथ ही न्यू नेस्टिंग यहाँ पे हुई है और न्यू नेस्टिंग के साथ ही यहाँ पे अंडा आ चुका है। अब ये है किसका, फिंच का जावा का है ये नहीं पता, लेकिन इधर अंडा आ चुका है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर क्या पोजिशन है, इस बॉक्स में जस्ट नेस्टिंग ही हुई हुई है और मुझे इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो शायद इसमें कुछ भी नहीं होगा। आपको एक और बात भी मैं शेयर कर दूं कि इसमें से एक बॉक्स था, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये वाला वो बॉक्स है शायद, इसको मैं टच नहीं करता, इसके अंदर फीमेल होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बॉक्स था इसके अंदर 8 अंडे थे, ठीक है। ये वाला बॉक्स था इसके अंदर 3 अंडे थे, मैंने ऐसे किया है यहाँ से 8 अंडे थे इधर 5 छोड़ दिए, 3 इधर शिफ्ट कर दिए, इधर अब 6 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। इनकी जंबलिंग कर दी अंडे ताकि अच्छे से कर सके। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी नेस्टिंग हुई हुई है, नेस्टिंग स्टार्ट हुई हुई, नेस्टिंग हम इन्हें और डालेंगे इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर वो फीमेल बैठी हुई है, अपने मज़े से इंजॉय करिए बैठी रहे, हम उसके साथ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सारा काम होता रहेगा। इधर डब एक बोल रही है, डांस कर रही है, वो देखें डब का डांस कितने मज़े से, दस्ते के ऊपर बैठ के तो वो अपना डांस कर रही है। ये चेक करें सारा व्यू कितना प्यारा हुआ हुआ है, कितना प्यारा निज़ाम हुआ हुआ। इधर थोड़ा सा पीछे होता हूँ, देखिएगा सारे बर्ड नीचे उतर आएंगे और मज़े से अपना इंजॉय करेंगे। ये चेक कीजिएगा, भी सारे बर्ड्स नीचे आएंगे, ये चेक करें एक आ गया नीचे, इसको देख के अभी इसके पीछे पीछे बाकी सब भी आएंगे। ये देखिए एक और आया, तीसरा आया, तीसरा आया,
जी तो बर्ड्स रूम का काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब जाते हैं बाहर, वो जो बाहर हमने बर्तन रखा है उसमें पानी डालते हैं, उसको अच्छे से पहले साफ करते हैं, साफ करके फिर उसमें पानी डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं और फिर अगला प्लान आपके साथ शेयर करते हैं और जो आगे का प्लान है वो भी आपको बताते हैं। तो चले आए जाते हैं बाहर, उधर जाके हमें वो पानी डालते हैं, उसको पहले अच्छे से साफ करते हैं, साफ करके फिर उसमें पानी डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी तो ये मैं बाहर आ चुका हूँ, मैंने उसको पानी डाल के अच्छे से साफ कर दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर ये हम पानी डाल देते हैं और इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और इसे उठा के हम रखते भी धूप के ऊपर हैं क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से ये कहीं बर्ड्स हमारे परिंदे बीमार ना हो जाएं, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे धूप के ऊपर ताकि ये पानी गर्म रहे, ठीक है। अच्छे से पानी वार्म है, गर्म है, तो अब इसमें परिंदे अपना दाना पानी करते रहेंगे। तो इधर मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं कि आपको कमेंट व्लॉग कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा। और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।